नमस्कार दोस्तों, मैं टॉप रिपोर्टर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के साथ एक अच्छी खबर शेयर करने वाला हूं। यहां पर मेरे पास एक आर्टिकल है नए मेडिकल कॉलेज के बारे में और उसके साथ एम्स का इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये आर्टिकल उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने नए मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए कितने पैसे अलॉट किए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू सेट ए न्यू मेडिकल कॉलेज एंड एम्स एंड प्रोविजन ऑफ 106 करोड़ ईच हैज़ बीन मेड फॉर न्यू मेडिकल कॉलेज। यानी यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज के नाम दिए गए हैं और उसके साथ हर मेडिकल कॉलेज के लिए 106 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए गए हैं। तो कॉलेज बनने वाले हैं हरदोई में, प्रतापगढ़ में, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर। तो यहाँ पर 6 नए मेडिकल कॉलेज की बात की गई है। उसके साथ ₹100 करोड़ हैज़ बीन एंडमार्क फॉर जौनपुर मेडिकल कॉलेज, यानी अब 7 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। बिसाइड 100 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एंडमार्क फॉर AIIMS एट रायबरेली एंड ए न्यू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ। यानी यहाँ पर टोटल 9 मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश के स्टेट में। तो यहाँ पर आप गैस कर सकते हैं कि सीट कितनी इंक्रीज होने वाली है उत्तर प्रदेश के स्टेट में। लगभग 1000 MBBS की सीट इंक्रीज हो जाएगी ये सभी कॉलेज के कंस्ट्रक्शन के बाद। तो यह अच्छी खबर आप सभी स्टूडेंट के साथ मुझे शेयर करनी थी। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।